क्या होगा अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर फोर्स होता है, बट हमारे रोज के नजरिए से ये हमें बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लगता है। गुरुत्वाकर्षण प्रतिक्षण हमारे लिए काम करता रहता है, ये हमें हमारी पृथ्वी से जोड़े रखता है। बट ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्या होगा अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक से खत्म हो जाए तो? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले स्पेस और साइंस से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। ग्रेविटी के खत्म होने के बाद सबसे पहले तो हमारा वेट घटकर शून्य हो जाएगा और हम सब हवा में फ्लोट करने लगेंगे। अगर आप ग्रेविटी के खत्म होने से पहले किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो आप उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते जाओगे और स्पेस में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको रोकने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। हमारा चलना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब हम पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। बट यहाँ तक तो ठीक है, हम इसमें फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं वो भी हमेशा जीरो ग्रेविटी में ही रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वे जिंदा हैं। बट क्या ये और भी बुरा हो सकता है? तो गाइस, गुरुत्वाकर्षण के खत्म होने का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण के ना होने से पृथ्वी की सारी चीज़ों का भार घटकर शून्य हो जाएगा और सारी चीज़ें हवा में फ्लोट करने लगेंगी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स टूटकर हवा में बिखरने लगेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये पृथ्वी से जुड़ी हुई थी। पृथ्वी का पूरा वायुमंडल स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही इन सभी गैसों को पृथ्वी की सतह पर बांधे रखती थी। पृथ्वी का सारा जल भाप में बदल जाएगा और स्पेस में चला जाएगा, और हमारे सांस लेने के लिए ना तो हवा मौजूद होगी ना पीने के लिए पानी। बट सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण के ना होने की वजह से हमारा चांद भी पृथ्वी से दूर चला जाएगा, और इन सब का पृथ्वी के स्ट्रक्चर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चूँकि गुरुत्वाकर्षण के बल से ही पृथ्वी खुद को बांधे रखती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के ना होने पर पृथ्वी कई भागों में टूटकर बिखर जाएगी और स्पेस में फैल जाएगी, और अंत तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तो गाइज, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यार, वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक बार ग्रेविटी को थैंक्स ज़रूर बोलना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो। इस वीडियो में हम एम करते हैं 180 लाइक्स के, तो गाइज फटाफट लाइक कर दो। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी फंडामेंटल फोर्स सबसे स्ट्रांग होती है, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर भी मार दो। बाय।